मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो थर्ड चैप्टर है ग्रामर का, नाउन पोजेशन, उसके बारे में बात कर रहे थे। वो चैप्टर हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे। इस सेशंस में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आपका जो ग्रामर का थर्ड चैप्टर है नाउन पोजेशंस, उसके बारे में हमने एग्जांपल कई सारे देखे थे, लाइक द क्लोथ ऑफ अल्पनास आर कैप्ट ऑन द बेड, द बुक्स ऑफ स्मृति आर कैप्ट ऑन द टेबल, द मोबाइल फोन ऑफ कनिका इज कैप्ट ऑन द चेयर। आगे, दिस सेंटेंस साउंड अ बिट ऑफ फनी, डोंट दे, लेट अस रीराइट देम एंड रीड देम अगेन। हमने देखा था कि ये जो सारे सेंटेंसेस है वो हमें थोड़े से फनी लगे, क्योंकि उसका रीज़न मैं आगे बता चुकी हूँ, ऑफ है इसलिए। अब देखो यहाँ, ये भी शायद हम डिस्कस कर चुके थे, अल्पनास क्लॉथ्स आर कैप्ट ऑन द बेड, स्मृति's बुक आर कैप्ट ऑन द टेबल, कनिका's मोबाइल फोन इज कैप्ट ऑन द चेयर। कनिका's मोबाइल फोन इज कैप्ट ऑन द चेयर, यहाँ से हमने देखा था। और हमने देखा था कि ये जो एस है वो एपोस्ट्रोफी एस है। अब आगे, नाउ दिस सेंटेंसेस साउंड सो मच बेटर, क्या कहा, यानी कि ये जो तीन जो सारे ऊपर जो सेंटेंसेस है, अल्पनास क्लॉथ्स आर कैप्ट ऑन द बेड, स्मृति's बुक आर कैप्ट ऑन द टेबल, कनिका's मोबाइल फोन इज कैप्ट ऑन द चेयर, वो है क्या कहा। नाउ दिस सेंटेंसेस साउंड सो मच बेटर, यानी कि ये परफेक्ट है। इन द सेकेंड सेंट ऑफ सेंटेंसेस वी यूज एपोस्ट्रॉफी अलॉन्ग विथ एस आफ्टर द नाउन टू शो belonging or possessions to the noun. तो क्या कहा, in the second set of sentences, यानी कि ये जो सारे वाक्य है उसमें उसने किसका यूज किया है, apostrophe, along with s, यानी कि उसे s के साथ apostrophe का यूज किया है। देखो ये जो shine है वो apostrophe है और उसको s के साथ उसका यूज किया है, इसको apostrophe एस ही बोलते हैं। द नाउन टू शो बिलोंगिंग और पोजिशंस टू द नाउन, जैसा मैंने आगे कहा था, ये किसके लिए यूज होगा, apostrophe एस, यानी कि पोजिशंस दिखाने के लिए। ये एस है apostrophe एस, इस तरह अल्पनास ऐसे ये पोजिशंस दिखाता है, यानी कि अधिकार दिखाता है। In case of a plural nouns ending with the s, we use just the apostrophe to show possessions. क्या कहा कि जब plural form होगे तो किस तरह से apostrophe s का use होगा, देखो example में। The for example, the food of the dogs became the dog's फूड, यानी कि जो कुत्ते का खाना था वो डॉग्स फूड। देखो यहाँ है वो ऐसे यूज हुआ है, डॉग्स फूड, देखा ये एपोस्ट्रॉफी एस किस तरह से है। तो प्लूरल फॉर्म में एपोस्ट्रॉफी एस है वो हमें इस तरह लिखने हैं, इसलिए इन केस ऑफ अ प्लूरल नाउन एंडिंग विद द एस वी यूज जस्ट एपोस्ट्रॉफी टू शो पोजेशंस, जैसा कहा कि एस हमें प्लूरल थिंग हो यानी कि कोई बहुवचन हो तो हमें एस कैसे लिखना है। तो ये आपको इस चैप्टर में दो चीज मेन है जो याद रखनी पड़ेगी, एक ए एपोस्ट्रॉफी एस, यानी कि जब कोई लिविंग थिंग्स हो जैसा मैंने आगे कहा था, वहाँ इस एपोस्ट्रॉफी एस का होना ज़रूरी है। जब पोजेशंस की बात है, नेहा स्पर्स लाइक डैट, रिया's बुक, रिया की किताब, नेहा का पर्स, देखो उस सब में पीछे एपोस्ट्रॉफी एस है। और प्लूरल फॉर्म का एग्जांपल यहाँ है। अब देखो पेज नंबर 11,
We also use the as to show that a noun is related to another. Let us see how. The school in which Rohit studies has 8 stories. Everybody praised the project made by Rohit. This can also be written as Rohit schools has 8 stories. Everybody praised Rohit's project. यहाँ है इस सेंटेंस को पहले देखो. द स्कूल इन विच रोहित स्टडीज हैज़ 8 स्टोरी, यानी कि जो रोहित है वो जो स्कूल में पढ़ रहा था वह 8 है वो स्टोरीज थी. फिर सेकेंड सेंटेंस देखो. एवरीबडी प्रेज द प्रोजेक्ट मेड बाय रोहित, यानी कि सब ने जो रोहित का जो प्रोजेक्ट बनाया था रोहित ने उसको अप्रिशिएट किया. लेकिन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, यानी कि ये जो दो सेंटेंस है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. क्या कहते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, अब देखो. रोहित स्कूल्स हैज 8 स्टोरी. वी कैन सी दैट हियर द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस. यहाँ देखो रोहित्स, और यहाँ देखो, और यहाँ रोहित स्कूल हैज 8 स्टोरी. ये सिंपल है, लिखने में भी अच्छा है, और सो मच बेटर सेंटेंस देन दिस. ये अप्रोप्रिएट है. रोहित, देखो यहाँ रोहित की स्कूल, ऐसा रोहित की स्कूल में जो 8 स्टोरीज थी, ऐसा. एवरीबडी प्रेज्ड रोहित्स प्रोजेक्ट, सब ने रोहित्स, देखो यहाँ भी है, क्या किया चेंज, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम देख सकते हैं. एवरीबडी प्रेज्ड रोहित्स प्रोजेक्ट, सब ने रोहित का जो प्रोजेक्ट था उसको अप्रिशिएट किया. इस सेंटेंस को पहले देखो. एवरीबडी प्रेज द प्रोजेक्ट मेड बाय रोहित, ऐसा था कि जो प्रोजेक्ट था जो रोहित ने बनाया था वो सब ने अप्रिशिएट किया. लेकिन यहाँ क्या हुआ, एवरीबडी प्रेज्ड रोहित्स प्रोजेक्ट, रोहित का प्रोजेक्ट, ऐसा रोहित्स प्रोजेक्ट, लाइक टेक. तो यहाँ है वो क्लियरली हम डिफरेंस देख सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस का. देखो इस बॉक्स में क्या इंस्ट्रक्शंस है. व्हेन वी ऐड एपोस्ट्रोफी एस टू शो डेट नाउन इज रिलेटेड टू अनदर वी ड्रॉप सम वर्ड्स, यानी कि जब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं अनदर नाउन के लिए, यानी कोई दूसरे नाउन को दिखाने के लिए, तो वी ड्रॉप सम वर्ड्स, यानी कि हम कई सारे वर्ड्स है वो छूटते हैं. देखो यानी कि क्या कहा, यहाँ जो सेंटेंस इतना लंबा है वो हमें दिख रहा है, और इस सेंटेंस को देखो कैसा है, इसलिए. तो यहाँ है वो, इस सेंटेंस का मीनिंग भी यही होता है, और यहाँ एवरीबडी प्रेज्ड रोहित्स प्रोजेक्ट, यहाँ भी इस सेंटेंस का मीनिंग यही होता है कि रोहित का प्रोजेक्ट है वो सबने अप्रिशिएट किया, प्रेज्ड किया, और यहाँ है उसका भी मीनिंग वही होता है. लेकिन यहाँ एपोस्ट्रोफी जब एस का यूज करते हैं तो उसका पजेशंस होता है, यानी कि वो उसका अधिकार जताता है, रोहित का प्रोजेक्ट्स, ऐसा प्रॉपर हो जाता है. इसलिए देखो इस सेंटेंस थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन मीनिंग तो सिर्फ एक ही है, इसलिए ये हम डिफरेंस देख सकते हैं. आप ऐसे कई सारे वर्ड्स सेंटेंस देखोगे जिसमें इसी तरह के हैं, वो कई सारे सेंटेंस होंगे, वर्ड्स होंगे जो ऐसे लेफ्ट होते हो, शॉर्ट होते हो, उसी तरह जैसे इस रोहित में हुआ. उसका जो ये सेंटेंस है स्टोरी वाला वो भी ऐसा ही है, ये लॉन्ग है, लेकिन देखो जब ये एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है तो ड्रॉप किया है कहीं सारे वर्ड्स, यानी कि ड्रॉप यानी कि छूट जाते हैं, ऐसा होता है. तो नाउन पजेशंस में हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, पजेशंस यानी कि अधिकार जताना, और द वी लर्नड अबाउट द यूसेज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस. एस एपोस्ट्रोफी एस है, फिर से एक बार कह रही हूँ, लिविंग थिंग्स के लिए. यदि आपका कोई नाम हो और आपका
वहाँ पोजिशंस दिखाना हो तो वहाँ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होगा। तो यहाँ तो इस चैप्टर का सिर्फ एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक ये चैप्टर आपको 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना, गौर से देखना, यूसेज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस किया है। अब टिल देन गुड बाय टू ऑल।